सबको नमस्कार। मैं बी एस भंडारी आप सभी का आज के इस हेल्थ अवेयरनेस कम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शुक्रिया दोस्तों, मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आप सभी का कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कितनी समय निकाल करके आज इस प्रोग्राम में शिरकत की है। यकीन मानिए दोस्तों कि आज जो आपने यहां पर अपना समय दिया है, यह समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जानकारी ही कुछ ऐसी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी आप हजारों लाखों रुपए भी अगर बाहर खर्च कर लेते तो शायद ही आपको कहीं मिल पाई होगी, या शायद ही भविष्य में कहीं आपको मिल पाती। इसके लिए आज के इस प्रोग्राम के लिए आपको अपने उस दोस्त का धन्यवाद अदा करना चाहिए जिसने आज आपको यहां पर इन्वाइट किया है। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में उससे बड़ा आपका कोई और शुभ चिंतक हो नहीं सकता, क्योंकि जानकारी ही कुछ ऐसी है। तो एक बार जोरदार तालियां आपके उस दोस्त के लिए जिसने आज आपका बनवाई किया। थैंक यू दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत पधार रहे हैं दोस्तों, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज उनके मार्गदर्शन में लाखों लोगों का जीवन बदला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कंपनी के एम्बेसडर, मेरे गुरु, मेरे मेंटर श्री रामवीर सर के। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। दोस्तों, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब वो मंच पर आएंगे तो उनका जो ज्ञान है, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो बातें हैं, उस नॉलेज को सुन करके, उसको प्राप्त करके दोस्तों आप भी उनके नॉलेज के कायल हुए बिना रह नहीं पाओगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जब आज आप इस उस उनके बातों को सुन करके, उस प्रेजेंटेशन को सुन करके जब इस हॉल से बाहर जाओगे ना, तो आपके मन में जिंदगी जीने का एक नई उमंग जगेगी। आपके अंदर ऐसा महसूस होगा कि आपको एक नया रास्ता आज आपको मिला है, नया जन्म आज आपको यहां से मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं कह नहीं रहा हूं, मेरी इस बात पर आप स्वयं जाने से पहले मोहर लगा करके जाएंगे। ऐसा प्रोग्राम, ऐसी प्रेजेंटेशन आज आपको, प्रेजेंटेशन के माध्यम से ऐसी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या तैयार हो ऐसी प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, ऐसी जानकारी को लेने के लिए? तो साथियों, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन मंच पर आमंत्रित करने से पहले मैं आपका फेवर चाहता हूं। क्या आपका सहयोग मिल सकता है? क्या मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूं? क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? क्योंकि दोस्तों, आपको आदेश दे सकूं ऐसी मेरी हैसियत नहीं है, इसलिए आपसे चंद एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। क्या आप सब लोग अपना मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्तों? दोस्तों, निकालिए अपनी जेब से अपना मोबाइल और लीजिए, आइए थोड़ी देर के लिए इस ध्वनि प्रदूषक यंत्र को स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे स्विच ऑफ नहीं किया तो दोस्तों इसकी बजने वाली एक रिंगटोन यहां पर बैठे हुए सैकड़ों लोगों के सैकड़ों मिनट खराब कर देगी, सैकड़ों लोगों का भविष्य खराब कर सकती है। क्या आप लोगों का साथ मिल सकता है? दोस्तों, प्लीज कैन यू हेल्प स्विच ऑफ दिस मोबाइल? क्या आप अपना फोन स्विच ऑफ कर सकते हैं? चलिए, ओके। सबसे पहले मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मुझे लगता है कुछ भाइयों को संकोच हो रहा है, शायद आपको कोई जरूरी मैसेज आने वाला होगा। दोस्तों, कॉल तो अटेंड करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई अर्जेंट काम आपका अटका हुआ है, तो आप एक काम कर लीजिए कि साइलेंट पे कर लीजिए, वाइब्रेशन पे भी मत रखिएगा, क्योंकि वाइब्रेशन में भी अगर रखेंगे ना तो भी आपका ध्यान कहीं ना कहीं भंग होगा, और आप पता नहीं कौन सी ऐसी जरूरी बात होगी जो आपके दिमाग से स्किप कर जाएगी। क्या कर सकते हो? रिक्वेस्ट नंबर दो दोस्तों, हमारा यह प्रोग्राम लगभग 45 से 50 मिनट चलेगा, क्या आप इतनी देर का पेशेंस बनाए रख सकते हो? दोस्तों, आप इस मीटिंग को बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान दोस्तों जहर से भी खतरनाक होता। वो कहते हैं कि अधगल गगरी छल गत जाए, राइट? प्रोग्राम पूरा सुन करके जाइएगा। अगर फिर भी अगर आपको पेशेंस नहीं हो, अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम हो, अगर आप इतनी देर का पेशेंस नहीं रख सकते हो, तो बेशक आप मीटिंग शुरू होने से पहले आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस मीटिंग को सुनना शुरू कर देते हैं तो प्लीज
बड़ा मेहरबानी करके बीच में मूवमेंट मत कीजिएगा, आवाजाही मत कीजिएगा, क्योंकि इधर आप अपनी कुर्सी से खड़े हुए नहीं और सबका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हुआ नहीं। वही जो मंच से वक्ता, जो आज के जो गुरु हमारी जो बातें बताने वाले, उनका भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उनका भी ध्यान भटक जाएगा और पता नहीं कौन सी जरूरी बात तो बताने वाले होंगे, लेकिन आपके उस एक मोमेंट से दोस्तों उनका ध्यान भटक सकता है। तो इसलिए प्लीज कम से कम आप 50 मिनट एक घंटा जो भी है जितने भी देर प्रोग्राम चलता है शांति बनाइए रखिएगा। क्या मिल सकता है साथ इतना? Yes! मिल सकता है। Yes! उसके बाद दोस्तों प्रोग्राम शुरू होता है आपका, तो प्रोग्राम के दौरान दोस्तों प्रेजेंटेशन के दौरान हो सकता है आपके मन में कोई सवाल उठे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रोग्राम के दौरान आप लोग खड़े होकर के कोई सवाल मत पूछना अगर मन में कोई सवाल उठे तो। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी यह प्रेजेंटेशन स्लाइड बाय स्लाइड डिजाइनर, हो सकता है आपके मन में उठे सवाल का जवाब अगली स्लाइड में छुपा हो और आपके उस सवाल को पूछने से जिस धारा प्रवाह से प्रेजेंटेशन चल रही है उसकी धारा प्रवाह रुक जाएगी, वो फ्लो टूट जाएगा। सही है दोस्तों? Yeah. फिर भी अगर आपके मन में दोस्तों अगली स्लाइड में सवाल नहीं मिलता, प्रोग्राम के समाप्त होने तक आपके उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो साथियों मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि उस सवाल का जवाब लिए बगैर इस हॉल से मत जाइएगा, लेकिन प्रोग्राम के समाप्ति के बाद अपने दोस्त से मिलिएगा, अपने पड़ोसी से मिलिएगा, मुझसे मिलिएगा, मैं आपको हमारे मेंटर से मिला दूंगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब देकर के ही यहां से भेजेंगे। क्या मिल सकता है इतना साथ? Yes! मिल सकता है इतना साथ? Yes! तो दोस्तों उत्सुक हैं आप यहां पर सुनने के लिए? Yes! एक्साइटेड है जानने के लिए? Yes! तो बुला लिया जाए मंच पर? Yes! तो दोस्तों अब आपकी और आपकी सफलता के बीच बाधा न बनते हुए मैं सीधे मंच पर आप सबके सहयोग से उस मेंटर को, अपने गुरु को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। तो प्लीज भारतीय परंपरा अनुसार खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ, हुटिंग के साथ में, सीटी के साथ में, नारे के साथ में, जाते गाने के साथ में, म्यूजिक के साथ में वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम अवर कंपनी एम्बेसडर, मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर समीर सिंह। तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, तो ना तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू।